आपको दिखाएंगे तमाम बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। अमेरिका के लास वेगास में म्यूजिक कंसर्ट के दौरान अंधाधुंध फायरिंग हुई है, 20 लोगों की मौत की खबर है जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल। अंधाधुंध गोलियों की आवाज अमेरिका के लास वेगास शहर की है। लास वेगास में एक कैसीनो के पास फायरिंग में कुछ लोगों की मौत हो गई जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि मांडले में कैसीनो के पास एक शूटर ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने संदिग्ध को मार गिराया है। किसी बंदूकधारी की खबर मिलने के बाद अधिकारियों ने लास वेगास स्ट्रीट के कुछ हिस्सों को बंद कर दिया। शहर के एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही रोक दी गई है। He is dead currently. He has been identified. He is a local resident. I will not release his name at this time. But we are interested in a companion that is traveling with him. रविवार रात म्यूजिकल फेस्टिवल के दौरान जबरदस्त फायरिंग शुरू हुई। जिस वक्त फायरिंग हुई उस वक्त वहां 30,000 लोग मौजूद थे। एक व्यक्ति ने अचानक फायरिंग की जिससे भगदड़ मच गई। मैंडले बे होटल एंड कैसीनो के पास हुई फायरिंग में हमलावरों ने ऑटोमेटिक राइफल इस्तेमाल की। पुलिस उस महिला की तलाश में है जिसे हमलावर के साथ देखा गया था। पुलिस ने संदिग्ध महिला का फोटो भी जारी किया है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है। वहीं सेना ने यहां घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम की। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान ने पुंछ के शाहपुरा इलाके में बीएसएफ कैंप और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर फायरिंग की। पाकिस्तान की फायरिंग में 3 बच्चों की मौत हो गई है जबकि 5 लोग घायल हैं। भारत की तरफ से भी पाकिस्तान की फायरिंग का जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान जो है वो कायर लोगों का देश है, धोखाधड़ी में विश्वास करता है। एक तरफ तो सफेद झंडे दिखाता है और दूसरी तरफ हमारे आम लोगों को, जो गरीब लोग हैं, जो बॉर्डर पर रहने वाले हैं जम्मू कश्मीर में, उनको मार रहा है। तो हमारे 3 सिविलियंस मारे जा चुके हैं, तो ये पाकिस्तान को समझना चाहिए। रिटेलिएशन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस कर रही हैं, नुकसान भी हो रहा है, पर ये ऐसा बेशरम मुल्क हो गया है कि इसके पास कोई शर्म भी नहीं बची है। इस बीच सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम की है। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे आतंकियों से सेना की मुठभेड़ हुई जिसमें एक आतंकी को मार गिराया गया। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर ली है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 27 सितंबर को जम्मू कश्मीर के पुंछ और भीमबर सेक्टर में पाकिस्तान ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया था। 24 सितंबर को जम्मू के तंगधार सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से हुई फायरिंग में शहीद गणपत राम ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। 24 सितंबर को पुंछ के बालाकोट सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से हुई फायरिंग में 2 जवान घायल हुए। 23 सितंबर को पाकिस्तान ने अरनिया, आरएसपुरा, रामगढ़ और पुंछ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर फायरिंग की। 23 सितंबर को पाकिस्तान की ओर से हुई फायरिंग में अलग अलग जगहों पर 7 लोग घायल हुए। सेना ने बारामूला के रामपुर सेक्टर में घुसपैठ की एक और बड़ी कोशिश नाकाम की है और 2 आतंकियों को मार गिराया। रविवार को मुहर्रम जुलूस और मूर्ति विसर्जन के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में हंगामा हुआ जिसमें से कई इलाकों में अब भी तनाव बना हुआ है। यूपी के कानपुर और बलिया, बिहार के आरा, राजस्थान के जयपुर और प्रतापगढ़ के अलावा कई हिस्सों में मुहर्रम के जुलूस के दौरान हुए हंगामे ने बड़ा रूप ले लिया। इनमें से कई इलाकों में अब भी तनाव बना हुआ है। कई इलाकों में धारा 144 लगा दी गई है तो कई इलाकों में सन्नाटा पसरा है। हंगामे और तनाव को देखते हुए इन इलाकों में बड़ी संख्या में फोर्स को तैनात किया गया है। कानपुर में रविवार को हुए हंगामे के बाद इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। जिला प्रशासन ने मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। मामले से जुड़े आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। ज्यादा प्रभावित इलाकों में अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। बलिया में कल हंगामे के बाद लगे कर्फ्यू को तो हटा लिया गया है लेकिन तनावग्रस्त इलाकों में अब भी बड़ी संख्या में फोर्स को तैनात करने के साथ ही बड़े अधिकारियों ने भी कैंप किया है। वहीं बिहार के आरा में धारा 144 लगाने के साथ ही इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। जैसा एक पक्ष का आरोप है कि ये जुलूस थोड़ा ओवरस्टेप किया और उसी में लोगों में आपस में कहास नहीं हुई, फिर पत्थरबाजी हुई और फिर पुलिस ने इन लोगों को अलग किया, लेकिन फिर आगे जा करके फिर लोगों ने कुछ गाड़ियों में आगजनी वगैरह कर दिया। और लास्ट ताजिया इधर जो जलापा चौराहा है उससे होते हुए जा रहा था, तभी इस बीच में कुछ पत्थरबाजी हो गई और उस पत्थरबाजी से
आगे जो क्योंकि फोर्स यहाँ पे थी, उन्होंने तुरंत यहाँ पे फोर्स ने लोगों को दौड़ा लिया। फोर्स ने तत्काल दौड़ा करके कुछ लोगों को पकड़ा भी है, लोगों को चिन्हित भी किया है। तो अभी बिल्कुल स्थिति शांत है, हम लोग उन पर कार्रवाई कर रहे हैं जो कि प्रोबेबल जिन्होंने मतलब पत्थरबाजी की है। कुछ जगह पर आगजनी की घटना हुई है, तो अभी हम लोग घुस कर रेड किए हैं, कुछ लोगों को पकड़े हैं। दोनों पक्षों पर कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान के जयपुर और प्रतापगढ़ में भी हालात अब नियंत्रण में है और यहाँ भी बड़ी संख्या में फोर्स को तैनात किया गया है। यूपी के बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान उपद्रवियों ने एटीएम और पुलिस बल पर पथराव किया। यूपी के बाराबंकी में मुहर्रम जुलूस के दौरान अराजक तत्वों ने आगजनी की, पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के बलिया में हंगामा करने और आगजनी के मामले में पुलिस ने अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। कानपुर में तनाव को देखते हुए उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य का स्वच्छता मैराथन का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। कानपुर में हंगामे के बाद कल्याणपुर सर्कल के डिप्टी एसपी और इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया। महात्मा गांधी की जयंती पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत प्रमुख हस्तियों ने उन्हें नमन किया। आज देश महात्मा गांधी की 148वीं जयंती मना रहा है। पीएम मोदी ने दिल्ली में राजघाट जाकर बापू को नमन किया। वीडियो ट्वीट करके पीएम मोदी ने कहा, बापू ने दुनिया के करोड़ों लोगों को प्रेरित किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी राजघाट पहुंचे और उन्होंने बापू को श्रद्धांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी बापू को श्रद्धांजलि दी। राजघाट पर प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया। लाल कृष्ण आडवाणी समेत कई बड़ी हस्तियों ने बापू को नमन किया। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी बापू को नमन किया। राजघाट पर उपराष्ट्रपति ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का भी अनावरण किया। यूपी के राज्यपाल राम नाईक और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी लखनऊ के गांधी आश्रम पहुंचे और बापू को श्रद्धांजलि दी। योगी ने गांधी आश्रम में चरखा भी चलाया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि महात्मा गांधी के विचार आज के समय में ज्यादा प्रासंगिक हैं। समाज सेवी अन्ना हजारे ने भी राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। गांधी जी का सिविल राइट्स आंदोलन कुल 4 महाद्वीपों और 12 देशों तक पहुंचा था। गांधी ने ब्रिटेन के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन ब्रिटेन ने उनके निधन के 21 साल बाद उनके नाम से डाक टिकट जारी किया था। भारत में 53 बड़ी सड़कें महात्मा गांधी के नाम पर हैं, जबकि विदेशों में कुल 48 सड़कों के नाम उनके नाम पर हैं। गांधी ने साउथ अफ्रीका के डरबन, प्रिटोरिया और जोहानिसबर्ग में कुल 3 फुटबॉल क्लब स्थापित करने में मदद की थी। गांधी जी के साथ ही आज लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन है। पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी याद किया। उन्होंने कहा कि शास्त्री जी जवानों और किसानों के लिए प्रेरणा थे। स्वच्छ भारत मिशन के 3 साल पूरे होने पर दिल्ली में पीएम मोदी ने स्वच्छता अवार्ड बांटे। पीएम मोदी ने कहा कि स्वच्छता अभियान जनता का सपना बन चुका है। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी ने स्वच्छता अभियान में अहम भूमिका निभाने वाले लोगों को सम्मानित किया। महात्मा गांधी की जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन से सकारात्मक माहौल पैदा हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि अगर 1000 महात्मा गांधी और 1,00,000 मोदी भी आ जाए तो स्वच्छ भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता, लेकिन 125 करोड़ देशवासी इस सपने को साकार कर सकते हैं। मोदी ने ये भी कहा कि स्वराज का शस्त्र सत्याग्रह था और श्रेष्ठ भारत का शस्त्र स्वच्छता है। अगर 1000 महात्मा गांधी आ जाए, 1,00,000 नरेंद्र मोदी आ जाए, सभी मुख्यमंत्री मिल जाए, सभी सरकारें मिल जाए, तो भी स्वच्छता का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। लेकिन अगर 125 करोड़ देशवासी आ जाए तो देखते ही देखते सपना पूरा हो गया। हमें स्वराज्य मिला, स्वराज्य का शस्त्र था सत्याग्रह, श्रेष्ठ भारत का शस्त्र है स्वच्छता, स्वच्छाग्रही। मोदी ने कहा कि 2022 तक देश को स्वच्छ बनाकर ही दम लेना है। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था। उस वक्त देश का 38.70% क्षेत्र खुले में शौच से मुक्त था। पिछले 3 साल में 69.17% क्षेत्र खुले में शौच से मुक्त हुआ है। 2,55,640 गांव खुले में शौच से मुक्त हुए। सरकार का दावा है कि स्वच्छता मिशन के लॉन्च होने के बाद करीब 5 करोड़ शौचालयों का निर्माण हुआ। सरकार ने 2014 में स्वच्छता मिशन के लिए 2,850 करोड़ का बजट रखा था, जो पिछले 3 साल में बढ़कर 14,000 करोड़ तक पहुँच चुका है।
पीएम मोदी ने यह भी कहा कि स्वच्छता की रैंकिंग के कारण राजनेताओं पर दबाव बढ़ा है और शहरों में स्वच्छ रहने की रेस लग रही है। स्वच्छ भारत मिशन के 3 साल पूरा होने पर देश के कई हिस्सों में मैराथन का आयोजन किया गया। दिल्ली और मुंबई में इस दौड़ में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। दिल्ली में गांधी जयंती के मौके पर हाफ मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। हाफ मैराथन में हिस्सा लेने वाले लोगों में पूर्व क्रिकेटर और जाने माने मशहूर ऑलराउंडर कपिल देव भी शामिल हुए। वहीं मुंबई में भी आज 10 से 5 किलोमीटर के मिनी मैराथन का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी हस्तियों ने हिस्सा लिया। मैराथन का मकसद स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाना था। ओवरनाइट तो बदलाव नहीं देख सकते, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होगा, आने में 5-7-10 साल। ये तो अवेयरनेस है और किसी काम को भी शुरू करना बहुत मुश्किल होता है और उसका जो शुरुआत हो चुकी है तो उम्मीद है इसका फल ज़रूर अच्छा मिलेगा। अगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गरीबी जो है, कोई कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बन जाए वो सारी गरीबी हिंदुस्तान की दूर नहीं कर सकता, मगर उनकी कोशिश है कि गरीब लोगों को घर मिले, गरीब लोगों को नौकरी मिले। स्वच्छता अभियान के मौके पर बीजेपी ने भी यूपी के हर जिले में हाफ मैराथन का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। बीजेपी के बड़े नेता और मंत्री हाफ मैराथन के लिए यूपी के अलग अलग जिलों में मौजूद रहे। 3 वर्षों में आपने अंतर देखा है, आज से 3 साल पहले वो चर्चाएं नहीं होती थी जो आज हो रही है। तो मैं ये समझती हूँ स्वच्छता के अंतर्गत करोड़ों करोड़ों आज हमारे शौचालय बन गए हैं। स्वच्छता अभियान के लिए बीजेपी ने यूपी के 653 नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत और 8,500 वार्ड में कार्यक्रम का आयोजन किया। मैराथन दौड़ 42.195 किलोमीटर लंबी होती है, जबकि हाफ मैराथन करीब 21 किलोमीटर की होती है। मैराथन दौड़ यूनानी सैनिक फिडिपिडिस की याद में आयोजित की जाती है। फिडिपिडिस को मैराथन के युद्ध में जीत का संदेश देने के लिए भेजा गया था। माना जाता है कि फिडिपिडिस मैराथन से एथेंस के बीच 42.195 किलोमीटर बिना रुके दौड़ा था और जीत का संदेश देने के बाद उसकी मौत हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का ये कहना है कि नॉर्थ कोरिया तानाशाह किम जोंग से बातचीत करना समय की बर्बादी करता है। ट्रंप ने अपने विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन से कहा है कि वो उत्तर कोरिया से समझौता और बातचीत करने का प्रयास कर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ट्रंप ने ट्वीट कर कहा, मैंने हमारे बेहतरीन विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन को बताया है कि वो लिटिल रॉकेट मैन से समझौता कर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अपनी ऊर्जा बचाओ रेक्स, हम वही करेंगे जो किया जाना चाहिए। शनिवार को बीजिंग में टिलरसन ने बयान दिया था कि अमेरिका नॉर्थ कोरिया से बातचीत करने की संभावनाओं पर विचार कर सकता है। टिलरसन ने कहा था कि अमेरिका उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रमों की वजह से पैदा हुए तनाव को शांत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ट्रंप के इस बयान से एक बार फिर साबित हो गया है कि अमेरिका नॉर्थ कोरिया को लेकर कोई नरमी नहीं बरतने वाला। वहीं दूसरी तरफ खबर है कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अपनी परमाणु मिसाइलों का रुख अमेरिका की तरफ मोड़ दिया है, जिसके बाद तनाव और बढ़ गया है। 2006 में उत्तर कोरिया ने अपना पहला परमाणु टेस्ट किया। 2016 में कोरिया ने 2 बार परमाणु परीक्षण किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद 2017 में नॉर्थ कोरिया ने हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया। आशंका है कि 2020 तक किम जोंग के पास 60 परमाणु हथियार बनाने की क्षमता होगी। अमेरिका और नॉर्थ कोरिया दोनों के पास परमाणु हथियार हैं। ऐसे में उन दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव से परमाणु हमले का खतरा मंडरा रहा है।